सभी श्रोताओं को स्पर्शता श्रीवास्तव का नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के फैक्ट्री एक्ट्स यानी कि कारखाना अधिनियमों के बारे में। भारत में पहला कारखाना अधिनियम 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य छोटी उम्र के यानी अल्पायु श्रमिकों को संरक्षण देना और उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। इस अधिनियम में कहा गया था कि ये उन कारखानों पर लागू है जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 100 थी। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 9 घंटे निर्धारित थी। इस अधिनियम के तहत हर दिन प्रतिदिन घंटे घंटे का आराम और महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान था। इस अधिनियम में महिलाओं के भी काम के घंटे और मजदूरी को तय किया गया। इसके बाद 1891 में फिर एक कारखाना अधिनियम आया। ये आया लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। ये अधिनियम उन कारखानों पर लागू किया गया जहां श्रमिकों की संख्या कम से कम 50 थी। और 1881 के अधिनियम से फर्क ये था कि इसमें 9 से 19 वर्ष के बच्चों के काम करने की अवधि 7 घंटे निर्धारित कर दी गई। औरतों को रात्रि में 8 बजे से लेकर 5 बजे सुबह तक कार्य करने पर निषेध था, लेकिन इनके काम करने की अवधि 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई थी और साथ ही सप्ताह में 1 दिन के अवकाश की व्यवस्था थी। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 में कारखाना अधिनियम आया जिसमें पुरुषों के कार्य करने की अवधि 12 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई। 1922 में भी इस अधिनियम में कुछ बदलाव हुए और लॉर्ड रीडिंग के समय में श्रमिकों के हितार्थ को देखते हुए इस अधिनियम को वहां लागू किया जिन कारखानों में श्रमिकों की संख्या 20 से अधिक थी या फिर बिजली का प्रयोग होता था। कारखाने में कार्य करने वाले बच्चों की आयु 12 से 15 वर्ष निश्चित की गई और अवधि घटाकर 6 घंटे प्रतिदिन निर्धारित की गई। इस अधिनियम को लगातार 1920, 1926, 1931 में भी आंशिक रूप से संशोधित किया गया। इसके बाद 1934 में लॉर्ड विलिंगटन के समय में कारखाना अधिनियम आया। इसमें पहली बार मौसमी कारखाने और सदैव कार्यरत कारखाने में अंतर स्थापित किया गया। श्रमिकों के काम के घंटों को करीब 11 घंटे प्रतिदिन निश्चित किया गया और अल्पायु बच्चों के कार्य की अवधि 5 घंटे प्रतिदिन निश्चित की गई। श्रमिकों के आराम और चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई। लॉर्ड वेवल के समय में 1946 का संशोधित अधिनियम आया जिसमें कि श्रमिकों के कार्य करने की अवधि घटाकर 9 घंटे की गई और 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीनों की व्यवस्था की गई। दोस्तों, 1946 तक जितने भी कारखाना अधिनियम आए वो सब श्रमिकों के हित को देखते हुए आए, पर कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समय में श्रमिकों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। परंतु सबसे जरूरी कारखाना अधिनियम स्वतंत्रता के बाद 1948 में आया, क्योंकि 1948 के अधिनियम के अनुसार कल कारखानों की स्थापना, उनका संचालन और कार्य चलने की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया। इसका उद्देश्य कारखानों की अनियमित वृद्धि को रोकने का प्रयत्न करना था। ये अधिनियम जिन सभी बिंदुओं पर लागू होता था वो थे कि ऐसा कोई भी संस्थान जिसमें 10 या इससे अधिक श्रमिक नियुक्त हों और जिनमें उत्पादन बिजली की सहायता से हो, जिसमें उत्पादन बिजली की सहायता से ना हो तो भी, और जब ऐसी कार्यशाला को राज्य सरकार के अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत कारखाना घोषित किया गया हो, क्योंकि ये सरकार का अधिकार है कि वो अधिनियम या उसकी धारा को पूरी तरह से उपयोग में ला सकता है। इन सभी बिंदुओं पर कारखाना अधिनियम 1948 लागू होता था। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों के लिए कई सुविधाएं लाई गई। सबसे पहले थे स्वास्थ्य की सुरक्षा। इसके अंतर्गत फैक्ट्री में काम करने वालों की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके लिए फैक्ट्री की जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें सफाई का उचित प्रबंध होना चाहिए, 4 महीने में एक बार फैक्ट्री की दीवारों पर सफेदी होनी चाहिए, कम जगह पर वर्कर्स नहीं लगाना चाहिए ताकि उन्हें कार्य करने में दिक्कत ना हो, रोशनी, बिजली और पीने के पानी का उचित प्रबंध होना चाहिए, साफ सुथरे शौचालय का उचित प्रबंध होना चाहिए, रोशनदानों का उचित प्रबंध होना चाहिए ताकि कार्य करने वालों को घुटन न महसूस हो। अगर बात करें उनकी सुरक्षा की, तो सुरक्षा के लिए भी उचित प्रबंध होना चाहिए। बड़ी बड़ी मशीनों की फेंसिंग होनी चाहिए और बड़ी मशीनों पर छोटे बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। आग बुझाने का भी पूरा इंतजाम होना चाहिए।
उनको सभी सुविधाएं यानी कैंटीन की व्यवस्था, उठने बैठने के लिए उचित स्थान, प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था, पीने का पानी, नहाने का उचित प्रबंध और जहां महिलाएं हैं उनके बच्चों के रखने व पालने का प्रबंध भी होना चाहिए। ये सब 1948 के अधिनियम में कहा गया। इस एक्ट के मुताबिक कोई भी व्यक्ति यदि 48 घंटे से अधिक प्रति सप्ताह या 9 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा कार्य कर रहा है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। कोई स्त्री मजदूर 5 बजे सुबह से और 7 बजे रात के बाद कार्य पर नहीं आ सकती। इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष से कम किसी भी बालक को काम पर नहीं लगाया जा सकता जब तक डॉक्टर द्वारा प्रमाणित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। और कुछ खतरनाक व्यवसायों में बालकों और महिलाओं को लगाना इस अधिनियम में मना कर दिया गया। ये बाल मजदूरी के खिलाफ पहला कदम था। अगर 1948 के फैक्ट्री एक्ट के प्रशासन की बात करें तो प्रशासन राज्य सरकारों के हाथ में सौंप दिया गया था, जिन्हें ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वे निरीक्षकों को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य सरकारों को इस अधिनियम का सुचारू रूप से प्रशासन करने के लिए उनके प्रावधान में नियम बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। जहां इस अधिनियम में स्वास्थ्यप्रद और स्वस्थ कार्य व्यवस्था, कर्मचारियों की सुरक्षा, दुर्घटना से बचाव के लिए सावधानी, काम व विश्राम के घंटे निर्धारित करने और मजदूरी का शीघ्र भुगतान करने, अवकाश संबंधी बहुत से प्रावधान किए गए हैं, वहीं महिलाओं और बालकों के नियोजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। नियोजक और कर्मचारी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते रहे, इसलिए उनके उल्लंघन की स्थिति में दंड का भी उपबंध किया गया था। इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकारें निर्धारित योग्यता रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करती हैं। पूरे देश में फैक्ट्री अधिनियम को लागू करने के लिए कारखाना परामर्श सेवा और श्रमिक संस्थान समन्वय का कार्य करता है। ये मॉडल नियम बनाता है और फैक्ट्री के चीफ इंस्पेक्टर से सलाह लेकर अधिनियम के नियमों में संशोधन का सुझाव देता है। दोस्तों, 1948 का फैक्ट्री अधिनियम आज भी कुछ संशोधनों के साथ लागू है। धारा 6 में संशोधन के जरिए कारखाने के विस्तार के लिए स्व प्रमाणन का प्रावधान किया गया। विधेयक 2014 में ही मौजूदा परिभाषाओं में खतरनाक तत्व और विकलांगता जैसे नए शब्द जोड़े गए। फिलहाल सिर्फ राज्य सरकार ही फैक्ट्री अधिनियम के तहत कानून बनाने के लिए अधिकार संपन्न है। अब केंद्र सरकार को भी अधिकार संपन्न बनाने का प्रावधान किया जा रहा है ताकि वो भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में अधिनियम के नियम बना सके। राज्य सरकारों के पास अधिनियम के तहत कार्यपालक अधिकार है। इस अधिनियम में संशोधन दिसंबर 2010 में योजना आयोग के सदस्य डॉक्टर नरेंद्र जाधव के नेतृत्व में बनी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। जून 2011 में ये रिपोर्ट सौंपी गई। समिति की अधिकतर सिफारिशें प्रस्तावित विधेयक 2014 में समाहित की गईं। दोस्तों, आशा करती हूँ फैक्ट्री अधिनियम के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे कुछ और अच्छी बातें, कुछ और अच्छी जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी स्पर्शदा श्रीवास्तव को इजाजत। नमस्कार।